नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका आई टी आई एम सोल्यूशन में दोस्तों इलेक्ट्रिकल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर रहे थे जिसका आज पार्ट हम कंप्लीट करने वाले हैं इस क्वेश्चन सीरीज का फुल पीडीएफ मैंने ऑलरेडी अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दिया है तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ से इस प्रीवियस ईयर का पूरा सोल्यूशन डाउनलोड कर सकते हैं तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन सोल्व करना स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी है स्टेपर मोटर की तरंग उत्तेजन के परिणाम स्वरूप डैश होता है वे एक्साइटेशन ऑफ अ स्टेपर मोटर रिजल्ट इन ए हाफ स्टेपिंग बी माइक्रो स्टेपिंग सी इन स्टेप एंगल एंड डी ऑफ दिस दोस्तों स्टेपर मोटर क्या करता है वो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल या पल्स को कन्वर्ट करता है मैकेनिकल मूवमेंट में और इसका जो मूवमेंट होता है स्टेपर मोटर का वो काफी ज्यादा मूवमेंट होता है और इसमें तीन तरीके के एक्साइटेशन मोड होते हैं एक फुल स्टेप होता है एक हाफ स्टेप होता है और एक माइक्रो स्टेपिंग होता है और दोस्तों स्टेपर मोटर का जो सिंगल फेस एक्साइटेशन होता है उसे ही वेव एक्साइटेशन बोला जाता है और अगर हम बात करें इस वेव एक्साइटेशन की तो इसका जो टॉर्क होता है वो कम होता है क्योंकि सिंगल फेस एक्साइटेशन में या वेव एक्साइटेशन में हम स्टेपर मोटर की एक कॉइल को एक टाइम पे एक्साइट करते हैं तो इस वजह से इसका टॉर्क भले ही लो हो लेकिन इसके कुछ एडवांटेज भी होते हैं ये काफी ज्यादा एनर्जी एफिशिएंट मोड होता है और ये हमें प्रिसाइज पोजिशनिंग मूवमेंट भी देता है और ज्यादातर सिंगल फेस एक्साइटेशन को हम क्लॉक्स में यूज भी करते हैं तो ये डायग्राम दर्शा रहा है सिंगल फेस वेव एक्साइटेशन को अगर आप इसका चार्ट देखेंगे तो पहले कॉइल ए को एनर्जी मिली देन कॉइल बी को एनर्जी मिली देन कॉइल सी को एनर्जी मिली इसमें ए डैश लिखा है देन कॉइल बी डैश को एनर्जी मिली तो एक टाइम पे एक ही कॉइल को इसमें एनर्जी दी जा रही है इसी वजह से इसका जो पैटर्न बनता है वो वेव नुमा बनता है 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 इसीलिए इसको बोला जाता वेव एक्साइटेशन देन आता है यहाँ पे टू फेस एक्साइटेशन तो इसमें जो टॉर्क मिलता है वो टॉर्क मिलता है क्योंकि दोनों कॉइल को यहाँ पे एक साथ एनर्जी दी जाती है लेकिन इस केस में स्टेपर मोटर का जो रेजोल्यूशन होता है वो फुल स्टेप का होता है यानी कि इसकी जो मूवमेंट है एस कम्पेयर टू वेव एक्साइटेशन वो इतनी ज्यादा प्रिसाइस नहीं होती है क्योंकि वो एक बार में एक पूरा रोटेशन कर देता है और माइक्रो स्टेपिंग एक हाइब्रिड मॉडल है जो सिंगल फेस एक्साइटेशन और टू

दोस्तों डैम्पर वाइंडिंग होती है कंडक्टिव बार जिनको पोल फेस में लगाया जाता है जैसे कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं जो ये ब्लैक ब्लैक डॉट्स हैं ये क्या है ये है डैम्पर वाइंडिंग और डैम्पर वाइंडिंग को शॉर्ट सर्किट करा जाता है एंडरिंग की मदद से इसी वजह से ये एक क्लोज लूप का फॉर्मेशन करते हैं और डैम्पर वाइंडिंग को बनाया किससे जाता है इसको लो रेजिस्टेंस कॉपर एल्यूमिनियम या ब्रास की मदद से बनाया जाता है और जब हम डैम्पर वाइंडिंग को एड करते हैं तो रोटर सिंक्रोनस मोटर की रोटर स्क्वायर के रोटर की

उंड करता है क्योंकि दोस्तों जब भी सिंक्रोनस मोटर में कोई भी सडन चेंजेस आएंगे तो डैम्पर वाइंडिंग में एक मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस होगा तो जो ये करंट इंड्यूस हुआ है है वो अपोज करेगा रिलेटिव मोशन या सापेक्ष गति को जिसकी वजह से डैम्पिंग इफेक्ट प्रोवाइड होता है, और मोटर इससे स्थिर रहती है और क्या बेनिफिट होते हैं ये हॉन्टिंग को कम करता है यानी कि ऑसिलेशन को कम करता है जब भी मोटर में सडन चेंजेस आते हैं ये मोटर की वाइब्रेशन और नॉइस को कम करता है और मोटर में स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है डैम्पर वाइंडिंग तो दोस्तों डैम्पर वाइंडिंग को कहा लगाया

टू वन जीरो पॉइंट फोर वोल्ट दोस्तों जो सन जनरेटर में जनरेट होता है उसका फॉर्मूला होता है e v IA, और यहाँ पे वी क्या है टर्मिनल वोल्टेज है आई ए है यहां पे आर्मेचर आर्मेचर करंट करंट और current, के केस में क्या होता है लोड करंट प्लस फील्ड करंट और फील्ड करंट क्या होता है वो होता है टर्मिनल वोल्टेज अपॉन में शंट रेजिस्टेंस तो अभी हमें क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है यहाँ पे वोल्टेज गिवन है 200 लोड करंट गिवन है 100 शंट रेजिस्टेंस गिवन है 50 और आर्मेचर रेजिस्टेंस

और दूसरी होती है वेव वाइंडिंग अगर हम वेव वाइंडिंग की बात करें तो नंबर ऑफ पैरेलल पाथ बराबर होते हैं हमेशा दो के यानी कि पोल की संख्या कितनी भी हो लेकिन पैरेलल पाथ रहेंगे दो के बराबर वहीं लेव वाइंडिंग में क्या होता है नंबर ऑफ पैरेलल पाथ बराबर होते हैं नंबर ऑफ पोल के यानी कि अगर पोल की संख्या छ है तो पैरेलल पाथ भी यहाँ पे कितने होंगे छह होंगे अगर पोल की संख्या यहाँ पे आठ है तो पैरेलल पाथ भी यहाँ पे आठ होंगे तो ये बात होती है सिंप्लेक्स वेव वाइंडिंग में तो सिंप्लेक्स वाइंडिंग के केस में नंबर ऑफ पैरेलल पाथ हमेशा दो रहेंगे

हमेशा डैश होता है इन एन ओवर कंपाउंड डीसी जनरेटर द वोल्टेज रेगुलेशन इज ऑलवेज ए पॉजिटिव बी नेगेटिव सी जीरो एंड डी साइन डिपेंड ऑन आर्मेचर करंट दोस्तों ओवर कंपाउंड डीसी जनरेटर के केस में जो वोल्टेज रेगुलेशन होगा वो हमेशा नेगेटिव होगा अब वोल्टेज रेगुलेशन क्या होता है ये डिफरेंस होता है दोस्तों नो लोड वोल्टेज माइनस फुल लोड वोल्टेज अपॉन में फुल लोड वोल्टेज तो ओवर कंपाउंड के केस में जो फुल लोड टर्मिनल वोल्टेज होगा वो ग्रेटर होगा हमेशा नो लोड वोल्टेज के क्योंकि दोस्तों ओवर कंपाउंड के जनरेटर में

इंक्रीज हुआ तो उसको कॉम्पेंट कर देता है आर्मेचर रेजिस्टेंस का वोल्टेज ड्रॉप तो फ्लैट कंपाउंड जनरेटर को यूज कहा करा जाता है जा पे हमें वोल्टेज की जरूरत होती है जैसे बैटरी को चार्ज करने में और अंडर कंपाउंड जनरेटर की बात करें इसमें दोस्तों टर्मिनल वोल्टेज कम होता है जब लोड इंक्रीज होता है और इसका वोल्टेज रेगुलेशन पुअर होता है सो तो दोस्तों ये है एक ग्राफ अगर आप ग्राफ को ध्यान से देखेंगे तो ये रेटेड वोल्टेज है ओवर कंपाउंड के केस में पॉजिटिव रेगुलेशन है फ्लैट कंपाउंड में रेगुलेशन समान है और अंडर कंपाउंड में रेगुलेशन कम है लेकिन सबसे पूरा रेगुलेशन किसका होता है डिफरेंशियली कंपाउंड मोटर का सबसे पूरा रेगुलेशन होता है सो so, दोस्तों इसका राइट right आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए पॉजिटिव क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी डैश को परिवर्तित करते हुए एक डीसी मोटर की गति नियंत्रित की जा सकती है द स्पीड ऑफ डीसी मोटर कैन बी कंट्रोल बाय वेरिंग ए अप्लाई वोल्टेज बी फ्लक्स पर पोल सी रजिस्टेंस ऑफ आर्मेचर सर्किट टी ऑल ऑफ दी अब दोस्तों डीसी मोटर की स्पीड का फॉर्मूला होता है एन इक्वल्स टू ई बी बाई फाइव या एन इक्वल्स du माइनस आई ए आर ए अपॉन फाइव इसका मतलब यह हुआ कि स्पीड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है बैक e के और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है फ्लक्स के और इस फॉर्मूले से हमें क्या पता लगता है N equals to v minus IA Ra कि हम स्पीड को वोल्टेज एंड रेजिस्टेंस के थ्रू कंट्रोल कर सकते हैं तो इन दो फॉर्मूले से हमें यह जानकारी प्राप्त होती है अब इसके मेथड क्या क्या होते हैं डीसी मोटर को कंट्रोल करने के लिए सबसे पहला मेथड है आर्मेचर रेजिस्टेंस कंट्रोल मेथड तो आर्मेचर रजिस्टेंस

किस लिए काम आता है जब हमें डीसी मोटर को बेस स्पीड से कम स्पीड में चलाना होता है दूसरा मेथड है फील्ड कंट्रोल मेथड इस मेथड में हम क्या करते हैं हम फ्लक्स को चेंज करते हैं क्योंकि फ्लक्स दोस्तों इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्पीड के तो अगर हम फ्लक्स को कम करेंगे तो डीसी मोटर की स्पीड बढ़ जाएगी और अगर हम फ्लक्स को बढ़ाएंगे तो डीसी मोटर की स्पीड कम हो जाएगी इसमें हम पावर को कॉन्स्टेंट रखते हैं और टॉर्क को चेंज करते हैं और लास्ट मेथड है आर्मेचर वोल्टेज कंट्रोल मेथड इस मेथड में हम डीसी मोटर में वोल्टेज को वेरी करते हैं हैं और इस मेथड में भी जो हमें स्पीड मिलती है वो बेस स्पीड से कम मिलती है इसका रीजन क्या है क्योंकि हम वोल्टेज को रेटेड वैल्यू से ज्यादा नहीं दे सकते हैं अगर हम ऐसा करते हैं तो मोटर की वाइंडिंग में स्ट्रेस आएगा जिसकी वजह से मोटर की वाइंडिंग जल सकती है और यह मेथड केवल सुटेबल होता है सेपरेटली एक्साइटेड डीसी मोटर के लिए हम इसका उपयोग संट मोटर में नहीं करते हैं क्योंकि संट मोटर में हमें चाहिए होता है कॉन्स्टेंट फ्लक्स और अगर हम वोल्टेज में चेंज करेंगे तो फ्लक्स भी चेंज होगा तो इसीलिए हम संट मोटर में वोल्टेज कंट्रोल मेथड का इस्तेमाल नहीं करते हैं तो दोस्तों हमारे पास डीसी मोटर को कंट्रोल करने के लिए तीन मेथड

वट इज दी रोटर करंट फ्रिक्वेंसी ऑफ अ सिक्स असल थ्री फेस इंडक्शन रनिंग मोटर एट नाइन फिफ्टी आरपीएम वाइल कनेक्टेड टू अ अर्ट सप्लाई ए फिटी हर्ट्स बी फोर्टी सेवन पॉइंट फाइव हर्ट सी फिफ्टी टू पॉइंट फाइव हर्ट एंड डी टू पॉइंट फाइव हर्स दोस्तों दो फॉर्मुला हम यूज करेंगे पहला फॉर्मूला है रोटर करंट की फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करने का ये होता है दोस्तों तो इससे हमारी सिंक्रोनस स्पीड निकल जाएगी तो ये हो जाएगी वन ट्वेंटी इंटू फिफ्टी अपॉन में सिक्स विच इज इक्वल टू थाउजेंड आरपीएम अब हमारे पास सिंक्रोनस स्पीड आ गई है और एक और फॉमूला यहाँ पे यूज होता है दोस्तों वो होता है स्लिप का वो होता है स्लिप इक्वेल टू सिंक्रोनस स्पीड माइनस रोटर स्पीड अपॉन में सिंक्रोनस स्पीड अगर हम क्वेश्चन में दोबारा जाए यहाँ पे रोटर स्पीड गिवन है कितनी नाइन फिफ्टी और सिंक्रोनस स्पीड हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं तो इससे स्लिप निकल के आ जाएगी तो स्लिप हो जाएगी दोस्तों माइनस नाइन फिफ्टी अपॉन में थाउजेंड इसको आप सोल्व करेंगे तो आएगा जीरो पॉइंट जीरो फाइव अब हमारे पास स्लिप निकल चुकी है सप्लाई फ्रीक्वेंसी हमें फिफ्टी एयर्स ऑलरेडी गिवन है तो इससे आप रोटर की फ्रिक्वेंसी निकाल सकते हैं और वो कितनी निकलेगी जीरो पॉइंट जीरो फाइव इंटू फिफ्टी

होती है। अब यहाँ पे voltage में dropping characteristic क्या है, है उसको हम थोड़ा जान लेते हैं, तो dropping characteristic motor की ये बताती है कि जब हम motor में लोड को इंक्रीज करेंगे तो इसका टर्मिनल वोल्टेज स्लाइटली डिक्रीज होगा और ये डिक्रीज क्यों होता है इसका टर्मिनल वोल्टेज क्योंकि आर्मेचर करंट इंक्रीज होता है जिसकी वजह से आर्मेचर रेजिस्टेंस में ज्यादा वोल्टेज ड्रॉप होता है अब क्योंकि दोस्तों आपने पैलर ऑपरेशन ऑफ उप अल्टरनेटर पढ़ा होगा और पैलर ऑपरेशन ऑफ उप ट्रांसफॉर्मर भी पढ़ा होगा तो इसमें क्या होता है कि हम जब जनरेटर को पैरल कनेक्ट करते हैं तो इनको लोड को शेयर करना पड़ता है तो यहाँ भी क्या है जब हम डीसी डिसीशेंट मोटर को पैरल में कनेक्ट कर रहे हैं तो ये लोड शेयर करेंगे अपनी रेटिंग के अकॉर्डिंग दोस्तों डीसी जनरेटर तभी डिसपल ऑपरेशन कर पाएगा जब इसका वोल्टेज लोड के साथ चेंज ना हो यानी कि वो अपने वोल्टेज को मेन्टेन करके चले तो इसी ड्रॉपिंग जो डीसी जनरेटर की होती है वो हेल्प करती है स्टेबिलिटी प्रोवाइड करने के तो टर्मिनल वोल्टेज तो थोड़ा सा होगा। अब क्योंकि एक सन जनरेटर में टर्मिनल वोल्टेज डिक्रीज हुआ है तो दूसरा सन जनरेटर इस डिक्रीज को कंपनसेट करेगा बाय इंक्रीजिंग दी आउटपुट इसका मतलब ये हुआ कि जो दूसरा जनरेटर है वो ज्यादा ज्यादा पावर को शेयर करेगा जिसकी वजह से लोड बैलेंसिंग पॉसिबल हो पाती है यहाँ पे क्या कर रहे हैं यहाँ पे वोल्टेज को मेंटेन करके चल रहे हैं। अगर एक कमजोर बढ़ रहा है तो दूसरा उसका लोड है।, है जब लोड होता है तो कर देगा तो इसी करेक्टरिस्टिक को बोला जाता है डीसी मोटर की सेल्फ रेगुलेटिंग करेक्टरिस्टिक जो बताता है की साइन जनरेटर लोड शेयरिंग में भी स्टेबल ऑपरेशन कर सकते हैं फ्लैमिंग so

क्योंकि दोस्तों राइट हैंड रूल ज्यादातर डीसी जनरेटर में यूज होता है तो राइट हैंड रूल के अकॉर्डिंग जो थम पॉइंट आउट करेगा वो डायरेक्शन ऑफ ऑफ मोशन कंडक्टर को फाइंड आउट करेगा और ये ये क्या है ये है इनपुट जो कंडक्टर का मूवमेंट हो रहा है ये इसका इनपुट है फोर फिंगर मैग्नेटिक फील्ड को दर्शाएगा जो मिडल फिंगर है ये दर्शाती है आउटपुट को यानी कि इंड्यूस ए को तो इसी वजह से मैंने यहाँ पे करंट ब्रैकेट ए एम एफ करा अगर क्वेश्चन में कभी ए एम एफ की जगह यहाँ पे करंट लिखा हो या ए एम एफ मैंशन ना हो तो उस केस में भी वो Right तो राइट ऑप्शन से देख लेना है और सेम चीज़ दोस्तों पे बोला गया है है कि करता डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है मैग्नेटिक फील्ड को और मिडल फिंगर रिप्रेजेंट करता है डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस को। तो EMF क्या होता है दोस्तों जब कंडक्टर में वोल्टेज जनरेट होता है ड्यू टू चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड और इंड्यूस करंट क्या होता है ये होता है एक्चुअल फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द कंडक्टर एक कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन का फ्लो यानी कि इलेक्ट्रॉन हमेशा करंट की अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करते हैं और दूसरी चीज जो इंड्यूस ए एम एफ जनरेट होता है वो हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में जनरेट होता है किसके करंट की अपोजिट डायरेक्शन में हमेशा इंड्यूस इंडियस जनरेट होता है तो फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल हमें डायरेक्टली इंड्यूस एम एफ तो बता देता है और अगर हमें इंड्यूस करंट को फाइंड आउट करना है क्योंकि दोस्तों इंड्यूस करंट ई एम एफ के अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होता है तो हम इंड्यूस करंट को भी फाइंड आउट कर सकते हैं बाई रिवर्सिंग दी वैल्यू सो दोस्तों इसका राइट right आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी डायरेक्शन ऑफ एम एफ क्वेश्चन नंबर निम्नलिखित उपकरणों में से किसी सुरक्षा के लिए एल श्रेणी के एम सी बी का मुख्य रूप से उपयोग किया जाता है एल सीरीज इज मेनली टू प्रोटेक्ट विच ऑफ फॉलोइंग इक्विपमेंट ए एयर कंडीशनर बी मोटर सी गीजर डी रेफ्रिजरेटर दोस्तों दो तरह की सीरीज एम सी बी को हम ज्यादातर पढ़ते हैं एक होती है एल सीरीज एम सी बी और दूसरी होती है जी सीरीज एम सी बी दोस्तों का मुख्य काम क्या होता है ये उन सर्किट को प्रोटेक्ट करता है जो रजिस्टिव लोड के साथ जुड़े होते हैं जैसे की हीटर हो गया ओवन हो गया, डिसेंट हो गया इलेक्ट्रिकल आयरन हो गया प्रेस करते हैं जिससे तो ये किस में आते हैं एल सीरीज में आते हैं और जी सीज एम में काम करता है जिसमें इंडक्टिव लोड होता है जैसे कि एयर कंडीशनर हो गया मोटर हो गया ये ये क्या है ये सारे इंडक्टिव लोड हैं और इंडक्टिव लोड में करंट लैक करता है वोल्टेज से बाय सर्टेन एंगल तो अगर हम इंडक्टिव लोड में एल सीरीज एम का उपयोग करेंगे तो एल सीरीज एम बार बार ट्रिप होगी तो इसी वजह से दोस्तों हम जी सीरीज एमसीबी में एल सीरीज का उपयोग नहीं कर सकते

ऑप्शन होगा क्वेश्चन भवन के लिए किस प्रकार सबसे मल्टी स्टोरी बिल्डिंग के लिए हम यूज करते हैं राइजिंग मेन डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का और ये राइजिंग मेन डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को हम दोस्तों ट्री सिस्टम भी बोलते हैं और ज्वाइंट बॉक्स सिस्टम भी बोलते हैं तो इस टाइप के डिस्ट्रीब्यूशन में मेन लाइन से कई सारी तारों को निकाला जाता है और हर ब्रांच जो होती है वो एक सेपरेट सर्किट की तरह काम करती है और हम मेन बोर्ड से अलग अलग फेस वायर को हर एक रूम में प्रोवाइड करते हैं और न्यूट्रल और अर्थ वायर को यहाँ पे कॉमन रखा जाता है और जो भी सर्किट की हम ब्रांचेस को निकाल रहे हैं वो सारी ब्रांचेस होती हैं एक दूसरे के पैनल ताकि इनकेस किसी एक में फॉल्ट भी आए दूसरी ब्रांच पे उसका इम्पेक्ट ना पड़े अगर हम बात करें बस बार चैम्बर की तो बस बार चैम्बर में मेटेलिक स्ट्रिप्स और बार का यूज करते हैं और इसका उपयोग दोस्तों हाई करंट पावर डिस्ट्रीब्यूशन के लिए किया जाता है ज्यादातर इसका उपयोग हम ऑफिस पर्पज

रेटेड ब्रेकिंग करंट मल्टीप्लाई में रेटेड वोल्टेज यहाँ पे रेटेड ब्रेकिंग करंट मेजर करा जाता है किलो एम्पेयर में और रेटेड वोल्टेज मेजर करा जाता है किलो वोल्ट में जब हम किलो एम्पेयर को किलो वोल्ट से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो रीडिंग आएगी वो आएगी मेगा वोल्ट एम्पेयर में तो सेम चीज यहाँ पे दोस्तों एग्जाम्पल के थ्रू समझाई गई है

आर और लोड प्रतिरोध कैपिटल आर है तो अधिकतम शक्ति अंतरण के लिए क्या शर्त होगी इन अ पैल सी एंड ईच रो कंटेन एन सीरीज ऑफ सेल इफ आर इज द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ईच सेल एंड कैपिटल वट इज द कंडीशन फॉर मैक्सिमम पावर ट्रांसफर दोस्तों सबसे पहले आप एक डायग्राम को ध्यान से देखिए इसमें एन सेल सीरीज में कनेक्टेड है और ये एन सेल एक दूसरे के पेल में कनेक्टेड है और ये कितनी रो है ये एम रोस है यानी कि एन सेल को एम टाइम्स पैरेलल में कनेक्ट करा गया है अब दोस्तों जब हम आइडेंटिकल रेजिस्टेंस को जिनका प्रतिरोध ओम है उनको सीरीज में कनेक्ट करेंगे तो कैसे करेंगे तो जब हम सेल को सीरीज में कनेक्ट करते हैं तो होता है है डैश 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 ये टाइम तक जा रहा है। तो उसका ओवरऑल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा वो हो जाएगा एनआर यहाँ पे मान के चलिए दोस्तों एन सेल है और इनका रजिस्टेंस एनआर हो गया तो इसका भी एनआर हो जाएगा यहाँ भी एनआर हो जाएगा और ये सारे एनआर

इक्वल टू आर टी एच यहाँ पे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना है NR है और लोड रेजिस्टेंस कितना है? R है. तो आर एल इक्वल टू आर टी एच यहाँ आर एल इक्वर से लिख सकते हैं तो आर एल कितना था यहाँ पे NR अपॉन में एम था तो ये इसका राइट right आंसर होगा तो इन्होंने थोड़ा सा और मॉडिफाई कराए तो अगर हम m को इस साइड ले जाए तो ये हो जाएगा m मल्टीप्लाई में आर इक्व टू एनआर सो दोस्तों इसका राइट right आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए क्वेश्चन नंबर थर्टी सिक्स है ज्वार विद्युत संयंत्रण में ऊर्जा के किस रूप का प्रयोग किया जाता है विश फॉर्म ऑफ एनर्जी इज यूटिलाइज इन टाइडल पावर प्लांट ए काइनेटिक एनर्जी ऑफ सी वाटर बी पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सी वाटर सी बोथ काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सी वाटर एंड डी वेव एनर्जी ऑफ सी वाटर

करते हैं और जहाँ पे टाइडल करंट ज्यादा होगा वहां पे काइनेटिक एनर्जी भी ज्यादा होगी अब पोटेंशियल एनर्जी की बात करें कैसे हम पोटेंशियल एनर्जी का टाइडल पावर प्लांट में इस्तेमाल करते हैं जब दोस्तों सी में हाई और लो टाइड्स आती है यानी कि ज्वार और भाटी की कंडीशन होती है तो हम क्या करते हैं हम बैराज बना देते हैं यानी कि एक बांध बना देते हैं जिसके अक्रॉस डैम होता है जब दोस्तों पानी का स्तर बढ़ता है तो वाटर को उस बैराज में कैप्चर कर लिया जाता है जिसकी वजह से एक हाई वाटर लेवल हम मेंटेन कर लेते हैं अब क्योंकि वाटर एक जगह पे स्टोर है तो उस स्टोर एनर्जी को बोला जाता है पोटेंशियल एनर्जी और फिर उस स्टोर वाटर को हम एक पाइप के थ्रू एक चैम्बर के थ्रू टर्बाइन में पहुंचाते हैं जिससे अगेन अल्टरनेटर रोटेट करता है और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है तो दोस्तों से से दोस्तो को कैप्चर कर लेते हैं ऑप्शन नंबर सी बोथ काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सी वाटर क्वेश्चन नंबर थर्टी है तारापुर परमाणु शक्ति संयंत्र में किस प्रकार के रिएक्टर का उपयोग किया जाता है विच टाइप ऑफ रिएक्टर इज यूज इन तारापुर ऑटोमिक पावर प्लांट मोल्टन सॉल्ट रिएक्टर बी बॉइलिंग वाटर रिएक्टर सी प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर एंड डी नन ऑफ दी अब दोस्तों तारापुर स्थित है महाराष्ट्र में और ये फर्स्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट था इंडिया का इसमें दो बॉइलिंग वाटर का यूज करा जाता है और इसका ऑपरेशन स्टार्ट हुआ था नाइनटीन में तो तारापुर पावर प्लांट में हम यूज करते हैं बॉइलिंग वाटर रिएक्टर का सो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट ऑप्शन होगा क्वेश्चन नंबर थर्टी है एक प्रकाश स्रोत द्वारा किसी सतह को प्रदीपित किया जाता है सतह की किसी बिंदु पर अभिलंब और ज्योति अभिवाह की दिशा के बीच का कोण तीस डिग्री से साठ डिग्री में बदलता है तो प्रतिदीपित में परिवर्तन का अनुपात क्या है अ सरफेस इज इलिमिनेटेड बाय लाइट सोर्स इफ द एंगल बिटवीन दी नॉर्मल एट अ पॉइंट ऑन दी सर्फेस एंड द डायरेक्शन ऑफ ल्यूमिनस फ्लक्स चेंजेस फ्रॉम थर्टी डिग्री टू सिक्सटी डिग्री वट इज द देश चेंज इन इल्यूमिनेशन तो दोस्तों इल्यूमिनेशन को फाइंड आउट करने के लिए इस क्वेश्चन में हमें यूज करना पड़ेगा लैम्बर्ट कोसाइन लॉ का हम डेफिनेशन से पहले इसको समझ लेते हैं कि ये लोग क्या बताता है तो ये लोग ये बताता है दोस्तों यदि कोई भी सतह लाइट सोर्स के डायरेक्टली सामने होगी तो उसमें ज्यादा लाइट पड़ेगी और अगर वो सतह को किसी एंगल पर टिल्ट कर दिया जाए तो उसमें जो लाइट सोर्स पड़ेगी वो कम पड़ेगी तो इसमें लाइट सोर्स डिक्रीज होती रहेगी किस केस में जब लाइट सोर्स और सरफेस के बीच का एंगल बढ़ता रहेगा तो इसका फॉर्मूला होता है इक्वल टू एल कॉस्टिटा तो मान लीजिए दोस्तों ये सरफेस दोस्तो, है और ये लाइट सोर्स है ये एक ऑब्जेक्ट है तो जब लाइट सोर्स इसके डायरेक्टली परपेंडिकुलर होगा यानी कि 90 डिग्री होगा तो इस ऑब्जेक्ट पे सबसे ज्यादा लाइट पड़ रही होगी और अब ये सरफेस इस जगह पे है तो अब इस ऑब्जेक्ट पे जो लाइट पड़ रही होगी वो कम पड़ रही होगी क्योंकि अब इसका एंगल कुछ डिग्री है मान लीजिए सेवेंटी फाइव डिग्री है तो इस केस में लाइट कम पड़ रही होगी तो यही बताता है लैम्बर्ट कोसाइन लॉ इसका फॉर्मुला ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके थे थीटा e तो यहाँ पे है इल्यूमिनेशन एल है न्यूमलियस इंटेंसिटी और थीटा है एंगल अब क्वेश्चन में बोला गया था कि हम

तो इस टू से ये टू कट जाएगा तो ई वन हो जाएगा रूट थ्री और E2 हो जाएगा वन तो रूट थ्री बाय ऑप्शन होगा ऑप्शन so एक्सएलपी केबल मीन एक क्रॉसिंग पॉलिथेलाइन केबल क्रॉस क्रॉसलिंग पेपर एथलाइन केबल सी एक्स लेथलाइन केबल एंड डी दिस दोस्तों एक्सएलपी केबल को बोला जाता है क्रॉस लिंक पॉली एथेलाइन इंसुलेटेड एल्यूमिनियम

बल क्वेश्चनिट का वो होता है दो वायर के बीच में कंडक्टिविटी को इम्प्रूव करना तो सोल्डरिंग एक मेटोलिक बॉन्ड तो क्रिएट करता है बिटवीन दी वायर जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी इजिली फ्लो कर जाती है ज्वाइंट के अक्रॉस क्यूकी जब हम सोल्डरिंग करते हैं तो उस केस में

स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर सकता है लेकिन ये इसका मेन पर्पस नहीं होता है इसका मेन पर्पस होता है कंडक्टिविटी को इंक्रीज करना सो so दोस्तों इसका राइट right आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए कंडक्टिविटी